एवरीवन एंड वेलकम बैक। कुछ चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं, जैसे कि पालक और पनीर। डोंट वरी, आज मैं ये नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मेथी और पनीर के कॉम्बिनेशन से एक इतनी जबरदस्त सब्जी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ पे पनीर बहुत ज्यादा रिच होता है कैल्शियम और प्रोटीन में, वहीं मेथी एक पावर बैंक है, ना सिर्फ कैल्शियम प्रोटीन का, बट इसमें और भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉलिक एसिड, विच मेक्स इट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लेडीज टू हैव इट, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर 30s और एजिंग ग्रेसफुली। मेथी इज समथिंग यू कैनॉट स्किप इन योर डाइट इफ यू आर प्रेगनेंट और गोइंग थ्रू पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी। अगेन, मेथी इज वन फूड विच कैन नॉट बी स्किप्ड एवर। बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी है ये। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको बनाने में। सो लेट्स बिगिन मेकिंग दिस वन। कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा दी है मैंने। तेल इसमें डाल दूंगी मैं गरम होने के लिए। मैं रेगुलर रिफाइंड ऑयल में ही आज सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि इस सब्जी का टेस्ट रिफाइंड ऑयल में अच्छा आता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी हींग और 1 टीस्पून जीरा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सिजल होने देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी अराउंड 4 टेबलस्पून बेसन। ये रेगुलर बेसन ही है जो हम चीला वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। 4 टेबलस्पून है लगभग ये, विच यू कैन कॉल इट एज 1/4 कप। मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून तेल और डाला है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, जिसको मैं एकदम लो फ्लेम पे भून रही हूँ। ऑयल की क्वांटिटी कम नहीं रखूँगी, इतनी तो रखनी ही पड़ेगी ताकि बेसन अच्छे से हमारा भुन जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम बेसन को एकदम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। अगर फ्लेम हमने ज़रा सी भी इंक्रीज़ की तो बेसन कच्चा रह जाएगा एंड अल्टीमेटली सब्जी का टेस्ट बहुत ही ख़राब आएगा। इसको 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे भुनने में एकदम लो फ्लेम पे, क्योंकि कम क्वांटिटी ही है बेसन की। आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से भुन चुका है, क्योंकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, बहुत हल्का सा इस पे कलर चढ़ जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें तुरंत ही डाल देंगे हमारी कटी हुई मेथी। आप चाहें तो मेथी को बिना काटे एज इट इज भी सारी लीव्स डाल सकते हैं, बिकॉज एंड में सारी चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। आप खुद ही देखेंगे अभी जैसे जैसे हम आगे सब्जी बनाएंगे। सारी मेथी कढ़ाई में डाल देने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे। इन द मीनवाइल एक और छोटा सा प्रेप वर्क करूँगी मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिक्सी जार, जिसमें मैं डाल दूंगी 1 कप के करीब हरा धनिया। धनिए के साथ साथ उसकी डंडियाँ भी डालूंगी, क्योंकि डंडियों में बहुत सारा फ्लेवर होता है। साथ ही मैं डालूंगी एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इसके छोटे छोटे पीसेस करके डालूंगी। 2 हरी मिर्चें और कुछ कलियां लहसुन की, अराउंड 7-8 कलियां आप लहसुन की ले सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून से ऊपर पानी इसमें मत डालिएगा और इसे पल्स मोड पे मैं ग्राइंड कर लूंगी। कहने का मतलब ये है कि इसका हमें एकदम चटनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे ग्राइंड करना है ताकि इसका हमें एक पेस्ट सा मिल जाए, कुछ इस तरीके से। मेथी को भूनते हुए हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब ये हरी पेस्ट जो हमने बना के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे और वापस से भूनेंगे। ये भूनने का काम मैं मीडियम या मीडियम लो फ्लेम पे ही करूंगी, हाई फ्लेम पे नहीं करूंगी। एट दिस पॉइंट आपको लगेगा कि इसमें तेल बहुत कम है और हमें और तेल डालना चाहिए, बट नहीं, और तेल आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। डू नॉट बी टेम्प्टेड एट ऑल टू ऐड मोर ऑयल, क्योंकि हम एंड में इसमें एक और चीज़ डालेंगे जिससे इसमें क्रीमीनेस भी आएगी और फैट कंटेंट इनफ हो जाएगा इसमें। तो इस समय जितना भी आपको तेल कम क्यों ना लगे, और तेल इसमें ऐड मत कीजिएगा। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है तब तक जब तक कि मेनली लहसुन का फ्लेवर चला नहीं जाता। बस 2-3 मिनट ही और लगेंगे इसको भूनने में।
इन द मीनवाइल यहाँ पे मेरे पास कुछ पनीर है जिसको मैं ग्रेट करके ले लूंगी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी क्रम्बल कर सकते हैं, बट मैं ग्रेट करना प्रेफर करती हूँ, इससे सब्जी का टेक्सचर अच्छा आता है। मोटा मोटा ही ग्रेट कर रही हूँ, बहुत महीन ग्रेट करने की जरूरत नहीं है। पनीर कैसे आप घर पे आराम से बना सकते हैं ये मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक देम आउट। इस सब्जी के लिए पनीर का कोई भी मोटा चंक हमें नहीं चाहिए, इसलिए मेक श्योर टू ग्रेट इट नाइसली। पनीर हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है। एक बार मेथी और धनिया वाली पेस्ट को वापस से हिला लेते हैं ताकि ये जले नहीं। और एक और प्रेप वर्क मैं करूंगी यहाँ पे, और वो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रेश दूध से उतरी हुई मलाई। अब पतली पतली मलाई नहीं लूंगी, वो दूध नहीं लूंगी, एकदम थिक गाढ़ी 2 बड़े टेबलस्पून मलाई ले लूंगी और इसको अच्छे से हल्के से मिक्स कर लूंगी। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे वरना इसका बन जाएगा मक्खन, वी डोंट वांट दैट। बस सिर्फ हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि मलाई का स्मूथ टेक्सचर हो जाए, दैट्स इट। यहाँ पे मेथी और धनिया वाला मिक्सचर हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब लहसुन का रॉ फ्लेवर भी जा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, धनिया पाउडर, बहुत हल्का सा हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी अराउंड 1 टीस्पून, और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे मेरे मसाले जल नहीं रहे हैं, गैस भी लो फ्लेम पे है। मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मिक्सचर के साथ और तुरंत ही अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेटेड पनीर। 1/3 कप to 1/2 कप पनीर आप इसमें डाल सकते हैं। पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे भी आपको लगेगा कि तेल कम है और ये बहुत ड्राई ड्राई सा हो रहा है, लेकिन आपको और तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि हम इसमें एंड में मलाई ऐड करेंगे विच विल गिव इट द रिक्वायर्ड क्रीमिनेस एंड ऑल्सो द रिक्वायर्ड फैट कंटेंट जो किसी भी सब्जी में हमारा नॉर्मली होना चाहिए। पनीर को मिक्सचर में मिक्स कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस पनीर जैसे ही मिक्स हो जाएगा इसमें अच्छे से, हम ऊपर से इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मलाई जो अभी हमने मथ के रखी थी एंड तुरंत ही मिक्स कर देंगे। बस जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद वेल इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, हमारी सब्जी हो गई है यहाँ पे रेडी। थी ना मज़ेदार क्विक रेसिपी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सबको ये बहुत पसंद आने वाली है, बड़े ही नहीं बच्चे भी इसे बहुत लाइक करते हैं। सब्जी तो बन चुकी है लेकिन टिफिन में पैक करने के लिए मैं बनाऊंगी एक और चीज़ विद द लेफ्ट ओवर राइस इन जस्ट 2 मिनट्स। हम बना रहे हैं बटर गार्लिक हर्ब्ड राइस जो कि सिर्फ 2 मिनट में बनेंगे। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा मक्खन और ऑयल ताकि मक्खन जले नहीं। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ढेर सारा लहसुन, अराउंड 1 बड़ा टेबलस्पून आप लहसुन इसमें डाल सकते हैं। इस लहसुन को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे तब तक जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, बेसिकली बर्नट गार्लिक का फ्लेवर इसमें आना चाहिए। दिस विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड इट विल बी डन। मीडियम फ्लेम पे गार्लिक को रोस्ट कीजिएगा ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। गार्लिक ब्राउन हो चुका है यहाँ पे, अब इमीडिएटली हम इसमें डाल देंगे लेफ्ट ओवर राइस और बटर और ऑयल में इसको हम सौटे कर लेंगे फॉर अनदर मिनट ताकि राइस में भी हमारा गार्लिक और बटर का फ्लेवर इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये इतनी ज़्यादा क्विक रेसिपी है ना कि मैं क्या बताऊँ, और उतनी ही ज़्यादा सिंपल भी है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होता है। क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड के टिफिन बॉक्स में एक ड्राई सब्जी दे रही हूँ मेथी पनीर की, तो उसके साथ ये सिंपल से क्विक बनने वाले राइस विल मेक द टिफिन बॉक्स कम्प्लीट।
अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, कीपिंग इन माइंड कि राइस में भी थोड़ा सा नमक डला हुआ है जब हमने उसे प्रिपेयर किया था। साथ ही में जाएगा काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स और कुछ मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं हैं तो आप ओरिगैनो, थाइम, पार्सले इन सबको मिक्स करके भी इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर द बेस्ट थिंग इज टू यूज़ सम पिज्ज़ा सीजनिंग एंड देन मिक्स एवरीथिंग वेल। टॉप इट अप विद सम कोरिएंडर लीव्स एंड दिस बटर गार्लिक हर्ब राइस इज जस्ट रेडी इन अंडर 2 मिनट्स। ये इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं कि आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी सब्जी के साथ। एंड विद दिस अब एक ही काम रह गया है टिफिन में पैक करने के लिए, और वो है रोटियां बनाने का। लेकिन आज मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी ट्रायंगुलर शेप के पराठे, और वो भी क्रिस्पी वाले पराठे नहीं, सॉफ्ट पराठे। इसके लिए आटे की एक लोई बना लेंगे और उसे हाथ से पहले लंबा करके उसके बाद बेलन से बेल लेंगे। आटा मेरे पास पहले ही गूंदा पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें लगाएंगे ऑयल, आप ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से पराठे सॉफ्ट बनते हैं, घी लगाने से क्रिस्पी बनेंगे, तो चॉइस इज योर्स। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन और नमक, इसको हाफ में फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद फिर से हाफ में फोल्ड कर दूंगी। दैट मेक्स द ट्रायंगुलर शेप, और वापस से इसको हम बेल लेंगे इसी शेप में। इस सब्जी के साथ परांठे बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं। आप चाहें तो डेफिनेटली रोटी भी खा सकते हैं, नान, पराठा, तंदूरी रोटी, एनीथिंग कैन बी हैड विद दिस सब्जी, द चॉइस इज योर्स। मुझे ट्रायंगुलर शेप के सॉफ्ट पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं खाने में। अब तवा गर्म हो चुका है, इसमें आप डालिए घी या ऑयल। अगेन ऑयल इज फॉर सॉफ्टर पराठास एंड घी फॉर क्रिस्पियर वंस। मैं घी ही यूज कर रही हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पराठे घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। घी जैसे ही गर्म होगा मैं पराठा डाल दूंगी सेकने के लिए, एंड इन द मीनवाइल दूसरा पराठा भी बेल लूंगी। किसी ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैम आप कौन सा तवा यूज़ करती हैं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ लोहे का तवा ही यूज़ करती हूँ रोटियाँ, पराठे, नान ये सब बनाने के लिए। इवन थाली पीठ वगैरह मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ। जब एक तरफ से पराठा सेक जाएगा तो हम ऊपर भी डालेंगे ऑयल या घी और उसे सेक लेंगे। उतना नहीं सेकेंगे कि ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाए, थोड़ा सा कम सेकेंगे कि ये सॉफ्ट रहे। एंड वंस डन इसको हम निकाल लेंगे तवे से और रखेंगे एक वायर्ड रैक पे ताकि ये सॉगी ना हो। अगर आपके पास इस तरीके की वायर्ड रैक नहीं है तो आप एक कटोरी के ऊपर भी रख सकते हैं। दूसरा पराठा भी मेरा सिक चुका है एंड इट्स टाइम नाउ टू पैक द टिफिन बॉक्स। तो ये था मेरे हस्बैंड का आज का टिफिन बॉक्स। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। दिस वेरी यमी बर्न्ट गार्लिक हर्ब राइस अलोंग विद दिस एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस सब्जी विच इज रिच इन आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन अलोंग विद दीज सॉफ्ट पराठास मेक अ परफेक्ट होलसम मील। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड आवर न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर नाउ, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।